टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं हूं दीप प्रताप सिंह, पूर्व इंजीनियर सिंचाई भवा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2023 के लिए मुख्य बिंदु जो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है वो सेक्शन में आपको लेके आया हूं। आज मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो सैन्य अभ्यास हो रहा है, इससे हमारे दो पक्षी संबंध भी मजबूत होते हैं, साथ ही सैन्य संबंध भी मजबूत होते हैं और हमारी भारतीय सेना को भी नए परिप्रेक्ष्य में लड़ने की नई तकनीकी और नए आयाम हमें मिलते हैं। साथ ही हम जानेंगे उज्बेकिस्तान की ज्योग्राफी के बारे में और करंट न्यूज के बारे में, ताकि जब भी कोई कथन कांड में पॉइंट ज्यादा आते हैं तब आप उस प्रश्न को हल कर सकें। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण सूचना है कि हमारे जो इसके लिए फास्ट ट्रैक बैच है वो 4999 स्टार्ट हो चुका है और होली तक इसमें 50% का जो ऑफर चल रहा है, अगर आप चाहें तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, शाम को लाइव क्लास मिलेगी और सारे जो आपके नोट्स हैं ई नोट्स के रूप में वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। तो देखिए, ये जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये UPPCS-RO-ARO 2023 के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कौन सा है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम दिया गया है दस्तलिक 2023 में। पहली बार ये 2019 में हुआ था और अभी वर्तमान में 2023 में उत्तराखंड के जिले पिथौरागढ़ में ये संपन्न हो रहा है। चलिए इसकी बारीक पॉइंट को हम समझ लेते हैं क्या क्या है। बारीक पॉइंट को हम देखें तो इसमें भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच में ये द्विवार्षिक प्रशिक्षण है। ध्यान रखना, ये कैसा है? द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है और इसका नाम दिया गया है दस्तलिक। क्या गया है? दस्तलिक इसका नाम दिया गया है और 21 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और ये 5 मार्च तक चलेगा। और ये होगा कहाँ, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये उत्तराखंड का एक जिला है, पिथौरागढ़ स्थान है, वहां पर ये आयोजित हो रहा है। साथ ही इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया है ये पूछा जा सकता है। तो 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स ने, किसने लिया है? 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स ने इसने भाग लिया है, जो कि हमारी पश्चिमी कमान का एक हिस्सा है। यानी जो 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स है वो किसका हिस्सा है? पश्चिमी कमान का हिस्सा है। उज्बेकिस्तान की ओर से उनका उत्तर पश्चिमी जो सैन्य जिले के जो सैनिक हैं उन्होंने भाग लिया है। यानी उत्तर पश्चिमी सैन्य जिले, यानी जो तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर उनका जो सेना का जो कमान है वहां के लोगों ने यहाँ पर भाग लिया है। इससे पहली बार बात करें तो ये हमारा कब हुआ था? 2019 में हुआ था। और लेकिन कहाँ हुआ था? ये उज्बेकिस्तान में हुआ था। अब कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। कैसा है? द्विपक्षीय है। कब हो रहा है? 21 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक ये चलेगा। साथ ही कहाँ होगा? तो पिथौरागढ़ आपका उत्तराखंड है। इससे भारत के द्विपक्षीय संबंध तो मजबूत होते हैं, सैन्य संबंध मजबूत होते हैं और मिडिल ईस्ट वाले जो हमारे कंट्री हैं वहाँ तक हमारे व्यापारिक संबंध मजबूत होते हैं। इससे भारत की जो विदेश नीति एक नए आयाम पर खड़ी हो जाती है। और आज ही विगत वर्षों में देखा जाए तो भारत ने अपनी जो विदेश नीति है उसे काफ़ी मजबूत किया है, अपने द्विपक्षीय संबंध को मजबूत किया है और इसका निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत को फायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं उज्बेकिस्तान की है। उज्बेकिस्तान जिसकी राजधानी ताशकंद है, ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। और ये कहां पर घिरा हुआ है? ऊपर देखिए, ये कजाकिस्तान है। कौन सा है? कजाकिस्तान से ये घिरा हुआ है ऊपर, ठीक है, उत्तर में कजाकिस्तान से घिरा है। और कजाकिस्तान जो कि यूरेनियम के उत्पादन में नंबर वन है। कौन सा है? यूरेनियम के उत्पादन में नंबर वन है। साथ ही ये कजाकिस्तान है सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है, यानी लैंडलॉक्ड स्थल अवरुद्ध देश है, ठीक है। और दूसरा है किर्गिस्तान और तीसरा तजाकिस्तान, चौथा है अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो जो उज्बेकिस्तान है वो किससे घिरा हुआ है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान, साथ में तुर्कमेनिस्तान से ये घिरा हुआ है। कजाकिस्तान और इसकी सीमा पर सबसे तेज सुखड़ने वाली एरिया की दृष्टि से सुखड़ने वाली झील है, जिसका नाम है अरल सागर। ये कई बार प्रश्न UPSC में पूछा गया है, PCS में पूछा गया, RO-ARO में पूछा गया है कि अरल सागर की पोजीशन कहाँ पर है। तो जो अरल सागर है वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। आई थिंक ये बात आप समझ गए होंगे और इसको नोट भी कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में। साथ ही मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ से RO-ARO और PCS दोनों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। किसकी? RO और ARO की जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो फीस मात्रा हमने
1999 रुपए रखी है, और इसमें आपको जो टेस्ट है 45 आपको फुल टेस्ट मिलेंगे और 55 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। सीधे सीधे कहिए कि आप 100 टेस्ट देंगे और सुबह हमारे टेलीग्राम पर आप 9:30 बजे से फ्री टेस्ट ले सकते हैं। तो आपको अगर लेवल देखना हो, किस लेवल से हमारा देता है, डेमो लेना हो, तो टेलीग्राम पर हमारा जो टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी ये नाम से पूरा सर्च करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे रखी है, तो आप वहां पर 9:30 बजे से डेली फ्री टेस्ट आप वहां पर दे सकते हैं। इससे लेवल मालूम पड़ जाएगा और आपको लगता है कि हमें यहां पर भाग लेना चाहिए, तो फिर ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।